इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। आज यूपी से एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। कांग्रेस नेता अजय कपूर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक कपूर को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए हैं अजय कपूर। आपको बता दें कि स्पीकर सतीश महाना के करीबी रिश्तेदार हैं अजय कपूर। अजय कपूर को बीजेपी कानपुर से प्रत्याशी भी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं अजय कपूर, और स्पीकर सतीश महाना के करीबी रिश्तेदार भी हैं अजय कपूर। तो आज यूपी से सियासत को लेकर एक बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस नेता अजय कपूर एक जाना माना नाम कांग्रेस में, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका कांग्रेस में, और आज वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए हैं अजय कपूर। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, और आज सियासत को लेकर एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि अजय कपूर एक बड़ा नाम कांग्रेस में, एक अच्छा राजनीतिक अनुभव, और आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आज दिल्ली में मौजूद हैं, और यह सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी उनको कानपुर से प्रत्याशी भी बना सकती है। तो कानपुर से अभी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, और इसी बीच खबर है कि एक तरफ अजय कपूर जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उनको प्रत्याशी भी बना सकती है कानपुर से। तो एक बड़ी ज्वाइनिंग आज हो सकती है बीजेपी में, बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर आज देखने को मिल सकता है यूपी की सियासत में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं अजय कपूर। और अजय कपूर को बीजेपी कानपुर से प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं, और एक बड़ी ज्वाइनिंग आज बीजेपी में कराई जा सकती है। आज यूपी से एक बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में कराई जा सकती है। कांग्रेस नेता अजय कपूर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक कपूर को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए हैं अजय कपूर। उनका एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उन्हें गिना जाता है अजय कपूर को। कानपुर में एक बड़ा नाम अजय कपूर का, और बीजेपी उनको प्रत्याशी भी कानपुर से बना सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है बीजेपी में। कांग्रेस नेता अजय कपूर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और स्वाति पाठक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी? आज यूपी में एक बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कपूर आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही अगर हम कहें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अजय कपूर जो विधायक कानपुर से रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव भी हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त है जब दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अजय कपूर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। और तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तैयारी बीजेपी की चल रही है 80 सीटों को लेकर, और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से पार्टी लगातार जो बड़े नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को झटका अजय कपूर के शामिल होने से होगा। और अब से थोड़ी देर बाद ही 11:30 बजे अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद रहेंगे और पार्टी में अजय कपूर को शामिल कराएंगे।
ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वाति।